हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटम एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड हमने इसके अंदर हम जो है डिस्कस कर रहे थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा को जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ आज शुरू करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट किंगडम जो कि है किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हमने कहा था कि जो हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पे जो है हमने सबसे पहले किंगडम मोनेरा को पढ़ा, फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ा। ठीक है, मोनेरा के अंदर आपने क्या पढ़ा था? मोनेरा के अंदर हम जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी जो है हमने डिटेल के अंदर की थी, उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करी थी, उनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, न्यूट्रिशन कैसा होगा, हैबिटेट क्या होगा और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी। फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है हमने डिफरेंट टाइप के मेंबर्स को जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्राइस्टोफाइट्स को पढ़ा, डायनोफ्लेजिलेट्स को पढ़ा और हमने जो है यूग्लेनॉइड्स को पढ़ा एंड देन लास्ट में प्रोटोजोआ को पढ़ा था। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसके बाद जो थर्ड किंगडम आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई की जो है वो डिस्कवरी किसने की थी? तो बिल्कुल सही है, आप जानते हैं कि आर एच विटेकर ने जो है वो क्या दिया था? किंगडम फंजाई दिया था। ठीक है, हमने कहा था ना कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एंड देन एनिमेलिया, इन पांच किंगडम के बारे में हमने बात की थी कि ये पांच तरह के जो है किंगडम्स होते हैं एंड इन्हीं के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं। तो आर एच विटेकर ने जो है वो क्या दिया था? फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो क्रेडिट है वो आर एच विटेकर को जाता है एंड उसने जो है किंगडम फंजाई के बारे में बताया था। यानी कि इसने कुछ ऐसे मेंबर्स को खोजा जो कि प्लांटी के भी कैरेक्टर रखते थे और प्रोटिस्टा के भी कैरेक्टर रखते थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो है हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक को जो है खोजा गया जिसे हमने क्या दिया? किंगडम फंजाई कहा। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछा जाता है तो जनरल आप क्या बताएंगे फंजाई के बारे में? तो फंजाई में आपको ये ध्यान में रखने की बात है कि जो इसके कैरेक्टर है इसे प्लांट से अलग किया गया है और प्रोटिस्टा से अलग किया गया है। ठीक है, अब वो बात करते हैं हम कि कैसे अलग किया गया है। तो जैसे हमने कहा कि फंजाई को पहले जो है वो किसके अंदर रखा गया था? उसे प्लांटी के अंदर रखा गया था। ठीक है, वो इस वजह से रखा गया था क्योंकि फंजाई के अंदर भी जो है वो सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो है फंजाई के अंदर देखने को मिलती है और प्लांट में भी क्या मिलती है? सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको किसमें रख दिया गया था? जो है प्लांटी के अंदर रख दिया गया था। लेकिन फिर हम कहते हैं कि इसको जो है प्लांट से अलग किया गया फंजाई को, तो वो इस बेसिस पे अलग किया गया कि इन दोनों की जो सेल वॉल थी उन दोनों के कॉम्पोजिशन के अंदर जो है वो क्या मिल रहा था? डिफरेंस देखने को मिल रहा था। ठीक है ना, तो दोनों का जो संगठन था कोशिका भित्ति का वो इस तरीके से डिफरेंट था कि प्लांट की जो सेल वॉल थी वो बनी हुई थी सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से बनी हुई थी, लेकिन फंजाई की जो है सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई थी। ठीक है ना, क्या देखने को मिल रहा था? हमें काइटिन से बनी हुई सेल वॉल कोशिका भित्ति देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से जो इसको प्लांट से अलग कर दिया गया। फिर हम कहते हैं इसको पहले जो है फंजाई को प्रोटिस्टा के अंदर भी रखा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके प्लांट जैसे भी कैरेक्टर है एंड हमें पता है प्रोटिस्टा के अंदर हम उन मेंबर्स को रखते हैं जिनके अंदर क्या हो कि अगर प्लांट के कैरेक्टर मिल रहे हैं लेकिन अगर वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और यूकेरियोटिक कोशिका है तो उसे किस में रख दो? प्रोटिस्टा में रख दो। तो यही रीजन था कि फंजाई को जो है वो क्या कर दिया गया था? प्लांट से जो है वो सॉरी प्रोटिस्टा से जो है उसे अलग कर दिया गया था। वो इस बेसिस पे किया क्योंकि फंजाई जो होती है फंजाई एक मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, जबकि प्रोटिस्टा हम जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना, फंजाई क्या है? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है और प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिक होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे है हमने क्या कर दिया कि फंजाई को जो है वो अलग कर दिया प्लांटी से भी और प्रोटिस्टा से भी अलग कर दिया है। अब हमने जिस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा को जो है हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था तो उसी तरीके से है अब हम
किंगडम फंजाइज स्टार्ट करते हैं। इसके डिस्कवरी के बारे में आपको जनरल पहले सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। लकड़ी के ऊपर ग्रो कर रही है तो कॉर्टिकोलस
लगेगी उन मटेरियल से जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेती है। तो यानी सेप्रोमेटिक नेचर इसकी जो है यहाँ पर दिखाई देती है, हेटरोट्रॉफ प्रकार का पोर्शन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमने ये देखा कि इसकी बॉडी जो है वो कैसी है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो आपको फंजाई की बॉडी जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी, तो इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बात करें शारीरिक संगठन जो है इसका एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू क्या करेगी,
बीजाणुओं से अलैंगिक जनन करती है। ठीक है, और फिर इसके अलावा जो मैं बात करते हैं, अगर सेक्सुअल स्पोर की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो बिल्कुल सही है कि सेक्सुअल स्पोर से ही क्या करेगी ये लैंगिक बीजाणु से रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कहा कि दो प्रकार का इसमें क्या देखने को मिल रहा है, रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली दो प्रजनन जो है वो क्या होगा, हमेशा बीजाणु निर्माण से होगा, स्पोर फॉर्मेशन से होगा। एसेक्सुअल हुआ तो एसेक्सुअल स्पोर से करेगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो सेक्सुअल स्पोर से होता है, इसमें जो है रिप्रोडक्शन होगा। मतलब हमें जो आगे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेसिकली, कि इसका अपन लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि किस तरीके से फंजाई अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है, और जो है ये कौन कौन से स्पोर्स होते हैं, बीजाणु कौन कौन से होते हैं, मतलब सेक्सुअल स्पोर अलग होंगे और एसेक्सुअल स्पोर अलग होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कुछ कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि फंजाई जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, काइट जनन भी देखने को मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, काइट जनन भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि काइट जनन की कौन कौन सी विधियां होती है जिनसे फंजाई जो है वो रिप्रोडक्शन करती है, तो यहाँ नाम याद रखें, एक तो है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है, खंडन देखने को मिल सकता है, इसके अलावा जो है इनमें देखने को मिल सकती है बडिंग, मुकुलन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, मुकुलन के थ्रू बट किसी, अगर वो अपनी बॉडी को क्या कर देती है, खूब सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है, जैसे अपन ने अभी उसकी बॉडी देखी फंजाई की, तो वो अगर माइसीलियम जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, तो वो उस हर एक फ्रेगमेंट से, जो उस हर एक खंड से जो है नया जो है माइसीलियम बन जाता है, उस अपन कंडीशन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बडिंग, बडिंग क्या होगी कि अगर जिस तरीके से बडिंग आपको देखने को मिल सकती है ईस्ट के अंदर। ठीक है, ईस्ट जो एक फंजाई है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी कि बडिंग देखने को मिलेगी, यानी कि हम देखेंगे कि ये यीस्ट है। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अब इसकी जो इसकी जो बॉडी वॉल है, इस बॉडी वॉल पे जो है वो क्या बन जाएगी, एक आउटग्रोथ निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या निकल जाएगी, आउटग्रोथ है ये, और इस आउटग्रोथ को जो है हम क्या कहेंगे, बड कहेंगे। ठीक है, क्या बन गई, इस पे बड बन गई। अब ये बड क्या करेगी, धीरे धीरे आगे और बड़ी होती चली जाएगी, और जैसे ही ये बड़ी होगी तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस जो केंद्र देखने को मिल रहा है, ये भी क्या होने लग जाएगा, डिवाइड होने लग जाएगा, एंड ये इस बड के अंदर जो है न्यूक्लियस आधा पहुंच जाएगा, एंड जिस तरीके से ये बड आगे पहुंचती जाएगी तो ये बीच में से क्या हो जाएगा, फिर जैसे कि न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड करती हुई जो ये जो बड थी, इस बड के अंदर क्या हो गया, एंटर कर दिया न्यूक्लियस। अब जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में जो है वो इस बड के अंदर एंटर कर जाएगा, एंड जैसे ही हमें क्या देखने को मिला कि फर्स्ट जो है साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस का क्या हुआ, डिवीजन हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, केंद्रक विभाजन कहते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, इसके बाद जो है वो क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। तो किसी भी सेल डिवीजन के दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेप होंगे, वो होगा फर्स्ट, एक तो होगा केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया, पहले न्यूक्लियस एंटर हुआ और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिला कि एक नई ईस्ट देखने को मिले। ठीक है, कि ये साइटोप्लाज्म है इसका और न्यूक्लियस, और एक हमें क्या देखने को मिली, जो ईस्ट देखने को मिली जो कि पहले से प्रेजेंट थी। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया कि ये तो हो गई डॉटर ईस्ट। ठीक है, ये क्या हो गई, डॉटर ईस्ट, और ये हो गई पेरेंट ईस्ट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो बडिंग जो है, ये जो बडिंग जो प्रोसेस है, ये क्या है, एक आउटग्रोथ निकलेगी बॉडी से, उसे अपन क्या कहेंगे, बड कहेंगे,
ये बट जैसे जैसे ग्रोथ करती जाएगी बॉडी वॉल से, ठीक है, ये बॉडी वॉल की जो है वो ब्लड के अंदर चेंज हो जाती है, वैसे वैसे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है उस पर प्रेशर पड़ेगा एंड वो प्रेशर पड़ते पड़ते जो है वो क्या होगा उस ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा एंड देन वो आगे साइटोप्लाज्म जैसे ही डिवीजन हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होकर जो है ये दो यीस्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि जो है आपने कहा बडिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको क्या देखने को मिला, यीस्ट की एक सेल थी और वो क्या कर दी डिवीजन करके उसने दो सेल्स बना ली, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इसमें, ये तो बात की रिप्रोडक्शन की, ये तो बात हुई रिप्रोडक्शन की। इसके बाद देखें मैंने आपसे अभी कहा कि फंजाई की बॉडी जो है वो क्या है, इसका मेन फीचर है कि ये क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो है एक एक्सेप्शन है, आपको जो है दो फंजाई के नाम याद रखने हैं, एनसीईआरटी बेसिकली नाम देती है, एक तो यीस्ट जिसमें आपने अभी क्या देखा एक सिंगल सेल, ठीक है, तो सिंगल सेल है तो कहने का क्या मतलब ये क्या है यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। तो इनमें भी क्या देखने को मिलेगा कि कुछ फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है, और यूनिसेलुलर है कौन सा क्या एग्जांपल है इसका यीस्ट है और सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम जो है और यीस्ट जो है वो क्या है यूनिसेलुलर फंजाई होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मैंने आपसे कहा कि फंजाई की जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई होती है माइसीडियम की। तो देखिए आपकी फंजाई की जो बॉडी है वो माइसीडियम जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, माइसीडियम जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक माइसीडियम। अब ये क्या होगा सीनोसाइटिक बॉडी जो है सीनोसाइटिक माइसीडियम जो है हम किसे कहेंगे, तो देखना कि फंजाई की बॉडी जो है वो कभी कभी क्या हो सकती है एक सिंगल, आपको जो आप भी हम एक हाइफी की बात कर लेते हैं कि जो एक हाइफी है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, मैंने इसमें कहा बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो एक कंडीशन तो हमें ये देखने को मिलेगी कि इसकी सिंगल एक हाइफी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक दूसरे प्रकार की जो है वो हाइफी हमें देखने को मिलेगी या माइसीडियम जिनके अंदर क्या होगा कुछ सेप्टा बने हुए होंगे, ठीक है ना, क्या बने हुए होंगे कुछ सेप्टा बने हुए होंगे, इन्हें हम क्या कह रहे हैं सेप्टा, ठीक है ना, पट बने हुए होंगे, ठीक है। और इनमें क्या देखने को मिलेगा फिर जैसे ही इनके अंदर सेप्टा बन जाते हैं तो इनकी बॉडी के जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, हर एक सेप्टा में क्या हो जाएंगे एक न्यूक्लियस मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिला कि एक ऐसी सेल है जो कि क्या है मल्टी न्यूक्लियेटेड है, ठीक है, अब ये भी पूरी एक सेल ही है तो मल्टी न्यूक्लियेटेड है बहुकेंद्र की है लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है सेप्टा, ठीक है, तो एक ऐसी होगी जो कि क्या होगी सेप्टेट होगी, ठीक है, क्या होगी सेप्टेट होगी, एक सेप्टेट माइसीडियम होगा पटयुक्त होगा, ठीक है, और एक होगा एसेप्टेट, ठीक है, क्या होगा एसेप्टेट होगा पट रहित होगा, ठीक है, क्या होगा पट रहित होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हम जो सीनोसाइटिक की बात कर रहे हैं सीनोसाइटिक का मीनिंग ये होता है कि अगर माइसीडियम जो है वो क्या मिले एक तो एसेप्टेट मिले, ठीक है, जिससे आपको ये देखने को मिल रहा है एसेप्टेट है या आपको सेप्टा नहीं मिल रहा और क्या है मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन है, तो सीनोसाइटिक इसको हम कहते हैं समकोशिक, ठीक है, ये क्या है सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक इसको हिंदी में बोलते हैं समकोशिक प्रकार का माइसीडियम, ठीक है ना। तो इस प्रकार का अगर माइसीडियम जो है आपको देखने को मिलता है तो वो क्या है सीनोसाइटिक है। हम आगे जो है बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम बात करेंगे जो फंजाई की क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें देखना है कि किस फंजाई के अंदर जो है वो सीनोसाइटिक प्रकार का मिल रहा है किसमें
एक्सेप्टेड जो है वो माइसीडियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीजें, इतने हमने एक जनरल फीचर के बारे में बात करी फंजाई के बारे में। इसके अलावा जो है आपको और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसमें ध्यान रखना कि जो फंजाई की जो बॉडी है वो क्या करती है, या तो इसका पूरा माइसीडियम, पूरा माइसीडियम जो है वो क्या कर सकता है, पूरी जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है उसे जो है कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो दो फेजेस के अंदर होती है, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ कायिक वृद्धि, और एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, एक क्या होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, जननिक वृद्धि होती है। ठीक है, जननिक वृद्धि होगी तो यहां ये आपको देखने को मिलेगा कि अब आपको दो और टर्म्स को याद में रखना है, वो ये है कि अगर अगर एक फंजाई की बॉडी यानी कि माइसीलियम, पूरा माइसीलियम अगर रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज दोनों को कंप्लीट करने में पार्ट लेता है, ठीक है ना, पूरा माइसीलियम जो है क्या कर रहा है वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज दोनों को पूरा करने में जो है पूरा माइसीलियम अगर पार्ट ले रहा है, तो इस प्रकार की बॉडी को हम कहते हैं होलोकार्प। ठीक है, क्या कहेंगे, होलोकार्प कहेंगे। अब ध्यान रखना, आप कहोगे कि जो यूनिसेलुलर है उनके क्या कहें, तो यूनिसेलुलर का मीनिंग, यूनिसेलुलर में भी यही बात है कि ईस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिला, तो एक सिंगल सेल थी, उसने आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ करी और उसी ने क्या करा रिप्रोडक्शन में पार्ट लिया। तो मतलब एक सिंगल सेल जो है वो क्या कर रही है, उसका पूरा पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, अगर दोनों ग्रोथ में पार्ट ले रहा है, पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो इस टाइप की बॉडी जो क्या कहलाएगी, होलोकार्प। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर फंजाई भी हो सकती है। इसके अलावा अगर माइसीलियम का सिर्फ कोई पार्ट या माइसीलियम की कोई भी एक यूनिट हाइफी जो है वो क्या करेगी, अगर सिर्फ वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में पार्ट ले रही है, तो इस प्रकार की बॉडी को हम कहते हैं यूकार्प। ठीक है, क्या कहेंगे हम, यूकार्प बॉडी कहेंगे। ठीक है, अगर पूरी सेल्स ही वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करे तो होलोकार्प होगी, और अगर यूकार्प होगा जब पूरे माइसीलियम की सिर्फ एक यूनिट या कुछ पार्ट ही जो है वो क्या लेगा, रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अंदर पार्ट लेता है। ठीक है ना, तो ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको इतनी आज के लेक्चर के अंदर आपने जो है डिस्कस किया क्या, जनरल कैरेक्टर फंजाई के बारे में, उसकी बॉडी किस तरीके से किससे मिलकर बनी होती है, माइसीलियम की बनी होती है, उसकी सिंगल यूनिट हाइफी कहलाती है। ठीक है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसमें न्यूट्रिशन की बात करी कि हेटरोट्रॉफ में भी सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, सड़े गले पदार्थों पे मिलेगी। ठीक है ना, फिर आपने बात करी कि इनके जो है बॉडी जो है वो किस टाइप से देखने को मिलेगी, माइसीलियम में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, या वो सेपरेट हो सकती है या फिर वो एसेप्टेट होगी, एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकोशिकीय बहुकेंद्रकीय, और क्या देखने को मिलेगा आपको, पट रहित देखने को मिलेंगे, तो वो एसेप्टेट यानी सिनोसाइटिक माइसीलियम होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा जनरल कैरेक्टर्स, ये सारे हमने फंजाई के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है कि इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन अगर मैंने कहा अभी बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन से करती है, तो कितने प्रकार के इसमें जो है स्पोर्स देखने को मिलेंगे, एंड वो किस तरीके से जो है वो रिप्रोडक्शन करती है, यानी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी पढ़ना है। ठीक है, तो तब तक जो है आप जो अपनी इस चैप्टर को जो है वो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, और अपनी एनसीईआरटी को जो है वो हमेशा, मैंने कहा है जब आप पढ़ें तो एनसीईआरटी पास में लेकर बैठे हैं, नोट्स भी आप बनाते रहे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहो, मेहनत करो, एंड इस पे क्वेश्चंस करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।